कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस एना फ्रिज की लाश पार्टी के दौरान वहां मिली है। इसका मतलब कि एना फ्रिज की अब मौत हो चुकी है और अब उसकी लाश भी मुर्दा घर में आ चुकी है। दूसरी तरफ हम इवान और हावी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाऊ से मिलने आए थे, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे। पर फिलहाल के लिए पाऊ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाऊ इसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है। इवान पाऊ को लेकर बाहर आता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और एना फ्रिज के बारे में बातें करने लगते हैं। इवान कहता है कि क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाऊ मना करता है क्योंकि उसे रिस्की लगता है और इसकी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है। एना फ्रिज एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, इसीलिए ही इवान उसे देखने के लिए जिद करने लगता है। उसकी जिद करने पर हावी भी मान जाता है और फिर पाऊ अपनी जॉब को रिस्क में डालकर इवान और हावी को हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले आता है, जिसके बाद ये तीनों मुर्दा घर में आ जाते हैं, जहां पाऊ एक लाश के पास आकर खड़ा हो जाता है और एना फ्रिज की लाश को दिखाने ही वाला होता है। अब जैसे पाऊ उस लाश से कपड़े को हटाता है तो एक बूढ़ी औरत की लाश थी। इसे देखकर इवान और हावी डर जाते हैं। दरअसल पाऊ इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाऊ असली एना फ्रिज की लाश के पास आता है। पाऊ उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है और दिखाता है। एना बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देख इवान उसकी बॉडी से कपड़ा थोड़ा और नीचे करता है और उसके बूब्स को छूता है। हावी को ये सब डिस्गस्टिंग लग रहा था, मतलब एक लाश के साथ ये सब करना। इवान जानबूझकर हावी को भी एना के बूब्स को छूने के लिए कहता है, जिसके बाद हावी भी उसके बूब्स को छूने लगता है। इसके बाद इवान हद पार कर देता है और कहता है कि उसे एक बार एना के साथ सेक्स करना है। हावी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर इवान तो जिद पर अड़ा था। इवान ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि फिर कहां उसे किसी फेमस एक्ट्रेस के साथ ये सब करने को मिलेगा, भले ही वो मरी हो या जिंदा हो। पाव कहता है कि उसने भी एक बार एक लाश के साथ सेक्स किया है, वो 17 या 18 साल की थी। अब पाव भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था, पर हावी ही सिर्फ ऐसा था जिसे ये सब गलत लग रहा था। पर इस वक्त वो अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी भले ही वो ये गलत काम नहीं करेगा पर देखना और सहना तो पड़ेगा। अब ये तीनों ड्रग्स यूज करते हैं, जिसके बाद पाव और हावी दूसरे रूम में आ जाते हैं और इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के बाद पाऊ जाता है और एना के साथ सेक्स करने लगता है। काफी देर बाद हम ये देखते हैं कि एना की आंख खुल जाती है, वो अब होश में थी। पाऊ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा एना के साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तब वो चीखता है, जिसके बाद इवान और हावी उसके पास आते हैं। पाऊ उन्हें बताता है कि एना अब जिंदा हो गई है। एना के जिंदा होने पर सबसे ज्यादा पैनिक इवान और पाऊ होते हैं, क्योंकि एना को पता है कि पाऊ ने उसके साथ रेप किया है। इसका मतलब कि अगर एना जिंदा रही तो वो पुलिस को बता देगी कि मुर्दा घर में उसके साथ क्या किया गया था। इवान एना को मारने का प्लान बना रहा था क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर हावी एना की मदद करता है और उसे कपड़े पहना देता है। हावी इवान की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था, ऐसे कैसे वो किसी का कत्ल कर सकता है। हावी कहता है कि तुमने उसका रेप किया है तो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। इस बात पर इवान और हावी झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद इवान हावी को काफी पीटता है। पाओ इन दोनों को बचाता है। इसके बाद इवान रियलाइज करता है कि उसने गुस्से में हावी का सर भी फोड़ दिया है और उसके सर से काफी खून भी निकल रहा है। फिर ये हावी को ट्रीटमेंट देने की सोचते हैं, पर पिछली बार जब पाऊ का एक कोलीग यहाँ पर एक लाश को लेकर आया था तो ये तीनों छिप गए थे और वो कोलीग चला गया था, लेकिन जाने से पहले उसने दरवाजे को भी लॉक कर दिया था। यही वजह थी कि अब ये बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही हावी को ट्रीटमेंट दे सकते थे। एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो काफी घंटों बाद अचानक से जिंदा हो गई थी, इसीलिए उसके पैर अभी भी पैरालाइज थे और हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। खैर, इवान और पाऊ हावी और एना को दूसरे में लेकर आती है। इसके बाद पाऊ अपने एक कोलीग से ये कह देता है कि वो मुर्दा घर में लॉक हो गया है, इसीलिए वो जल्दी यहाँ आए और उसे निकाले। पाऊ अपने कपड़े बदल लेता है, जिसके बाद पाऊ का कोलीग यहाँ आता है। एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो खतरे में है, पर इवान उसके मुंह को दबा लेता है। इसके बाद पाऊ उससे मुर्दा घर की चाबी लेता है और अपने कोलीग के साथ चला जाता है। इधर हावी अब बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था, जिसे देख इवान पैनिक हो जाता है। एना कहती है कि शायद वो अब मर गया है। कुछ देर बाद पाऊ वापस आता है तो उसे भी पता चलता है कि हावी मर गया है। ये देखकर पाऊ रोने लगता है, पर इवान उसे दिलासा देता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एना कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है अपना मुंह बंद रख। इसके बाद इवान पाऊ को बाहर लाता है और प्लान बनाता है। इवान कहता है कि अगर हम दोनों पकड़े गए तो हमारा
फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें हार्वी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना फ्रिज को मारना होगा। अंदर से एना अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और हार्वी के पॉकेट से फोन निकाल कर मदद के लिए फोन लगाने लगती है। तभी पाव और इवान अंदर आते हैं और जल्दी से एना के हाथ से फोन छीन लेते हैं। इवान कॉल के हिस्ट्री चेक करता है तो देखता है कि उसने किसी को कॉल लगा दी है पर बात नहीं हो पाई है। फिर ये दोनों एना को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी हार्वी के फोन पर एक कॉल आता है जो इवान के पास था। इवान जैसे ही कॉल पिक करता है तो एना जोरों जोरों से अपने पिता को पुकारने लगती है, पर पाव सही समय पर उसका मुंह बंद कर लेता है। दरअसल कॉल एना के पिता का था क्योंकि उन्हें एना ने कॉल करने की कोशिश की थी, पर इवान रॉन्ग नंबर बाय मिस्टेक कॉल लग गया था ऐसा कहकर फोन काट देता है। इवान एना को मुर्दा घर में लाता है और उसे जोर से थप्पड़ लगाता है। एना कहती है कि उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इवान कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी तो इसीलिए तुम वापस से लाश ही बनने वाली हो। यहां इवान बाहर कंटेनर लेने के लिए चला जाता है ताकि वो उसमें हार्वी की लाश को रख कर ठिकाने लगा सके। पाव एना के हाथ पाव बांधने लगता है, पर तभी एना उससे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है, वो एक झूठा है, उसने ही हार्वी को मारा है। पाव कहता है कि हाँ वो एक एक्सीडेंट था। एना कहती है नहीं, जब तुम अपने कोलीग के साथ बाहर चले गए थे तब इवान ने हार्वी को उसका गला घोटकर मारा था। अब पाव सोचने लगता है, पर दूसरे ही पल वो एना के मुंह पर टेप लगा देता है और अंदर जाकर हार्वी के खून को साफ करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर एना घसीटती हुई मुर्दा घर से बाहर निकल आती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है। दूसरी तरफ इवान कंटेनर लेता है और आने लगता है। इधर पाऊ हावी का खून साफ कर रहा था, तभी इवान यहाँ आता है और पाऊ को बताता है कि एना वहाँ से भाग गई है। ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एना घिसक घिसक कर एलिवेटर में आ जाती है और यहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी इवान आकर एलिवेटर को रोकता है और एना को घसीट कर वापस से मुर्दा घर में ले आता है। इसके बाद पाऊ इवान से कहता है कि तुमने हावी को मारा था। इवान कहता है हाँ मैंने ही मारा था, पर वो एक एक्सीडेंट था। पाव कहता है नहीं, तुमने उसका गला घोटा था। इस बात पर इवान हिचकिचाने लगता है जैसे उसने हावी का गला घोटा था, पर इवान इनकार करता है और कहता है कि ये झूठ है और तुम्हें एना पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इवान और पाव डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह से मारा जाए जिससे कोई सबूत भी ना रहे। इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर पाव उसे एक कपड़ा लाकर देता है। इवान कपड़ा पाव को वापस से दे देता है और उसे एना को मारने के लिए कहता है, पर पाव एना को नहीं मारना चाहता क्योंकि हावी को भी उसने नहीं बल्कि इवान ने मारा था। इवान इस पूरे क्राइम का हकदार अपने आप को नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इवान पाव का हाथ पकड़ता है और दोनों एना के मुंह पर कपड़ा रखते हैं जिससे एना का यूरिन निकल जाता है, लेकिन ये कपड़ा नहीं हटाते जिससे एना एक बार फिर मर जाती है। इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी को कंटेनर में डालते हैं। इवान कंटेनर ले लेता है और चला जाता है। इधर पाऊ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और अपना काम खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आने लगता है। यहाँ पाव ने एना की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया था और वो अब जाने ही वाला था। जाने से पहले पाव एक बार फिर से एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और देखता है एना जिंदा है। पाव एना से कहता है शांत रहना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो एना को मार दिया था तो वो जिंदा कैसे है, तो इसका जवाब ये है कि जब एना ने पाव से कहा था कि इवान ने जो भी किया है गलत किया है, तुमने नहीं, तभी इन दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से जब एना का दम घुटने वाला था तो उसने अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो मर गई है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एना एक एक्ट्रेस है तो उसके लिए मरने की एक्टिंग करना बड़ी बात नहीं है। खैर यहाँ इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आ गया था, जिसके बाद पाव और इवान यहाँ से निकलने लगते हैं। जाने से पहले इवान अपना पर्स चेक करता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था, जिसके बाद इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दा घर में आने लगता है। पाव उसे रोकने की कोशिश करता है पर इवान अंदर आ जाता है। वो देखता है कि एना जिंदा खड़ी है। एना को जिंदा देखकर इवान पाव पर गुस्सा करता है और उसका गला दबाने लगता है। हावी के मर जाने के बाद वो पाव को नहीं मारना चाहता था इसलिए वो उसे छोड़ देता है। तभी एना इवान को स्टैप करती है और उसके गले में सीजर डालकर उसे फाड़ देती है, जिससे इवान की कुछ ही देर में मौत हो जाती है। पाव कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एना पाव को स्टैप करती है और उसे भी मार देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।